हेलो एवरीवन, दिस इज रेहान। आई एम द हेयर फैकल्टी ऑफ सेम जेस हेयर एंड मेकअप एकेडमी इन दिल्ली। सो फ्रेंड्स, आज मैं आया हूँ आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करने। मेरा सेम जेस के साथ कैसे एक्सपीरियंस रहा, मुझे ऑलमोस्ट 4 साल से ज़्यादा हो गए हैं सेम जेस ब्रांड के साथ जुड़े हुए, एंड इन 4 साल में मेरा एक्सपीरियंस कैसे रहा वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जब मैं 2018 में पहली बार 2018 में मैंने सर की वीडियोस देखी थी, जिस टाइम मुझे एक प्रोफेशनल डिप्लोमा करना था अपने करियर को आगे बूस्ट करने के लिए, बट मुझे कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। बहुत सारे एकेडमीज थी, बहुत सारे इंस्टीट्यूट थे जहाँ पे बहुत अच्छी खासी फीस लेकर, बट वो चीज़ें मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी कि यहाँ पे वो चीज़ें मुझे मिल सकती है। मैंने बहुत जगह सर्च किया, कहीं पे कुछ चीज़ें होती थी, कहीं पे मॉडल्स का प्रोवाइड नहीं होता था कि आपको मॉडल्स लेके आना है। जैसे कि मैं मुंबई में ही था तो मुझे मुंबई से ही कोर्स करना था, बट एकेडमीज में होता क्या था कि आपको खुद से ही मॉडल लेके आना है। बट ये मेरे माइंड में पहले से था कि जितना ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा हमारा अच्छा हैंड जोन होगा, तो इसीलिए मुझे एकेडमी समझ में नहीं आई। काफ़ी एकेडमीज ऐसी थी कि जहाँ पे टाइमिंग का बहुत कम इशू, मतलब टाइमिंग बहुत कम देते थे, इतने 2-3 घंटे के क्लास, तो उसमें क्या कर सकते। उस टाइम में बहुत ज़्यादा मैं सर्च कर रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत प्लेटफॉर्म को मैंने देखा बट मुझे समझ में नहीं आ रहा था, कहीं से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं आगे ग्रोथ कर सकता हूँ। देन उसके बाद मैंने काफ़ी वीडियो सर्च किया यूट्यूब, जैसे कि आप लोग जानते हो यूट्यूब तो आजकल यही है, आप कुछ भी सर्च कर सकते हो, कोई भी चीज़ हो आप देख सकते हो यूट्यूब पे। तो मैंने भी सेम वैसे ही किया एग्जैक्टली, मैंने भी यूट्यूब पे सर्च किया फॉर बेस्ट एकेडमी हेयर के लिए कि कहाँ पे हम अच्छा कोर्स कर सकते हैं। तो वहाँ पे मुझे हमारे जय सर की वीडियो मिली और मैंने उनकी वीडियो देखा। जो फर्स्ट वीडियो थी वो थी हेयर कट के ऊपर, विच इज़ शैग हेयर कट, जो कि सर ने बहुत अच्छा बताया था और मज़ा आ गया था। मैं लिटरली मैं बता रहा हूँ कि मज़ा आ गया था सर की टेक्निक्स को देख के, सर का सीजर्स का होल्डिंग का तरीका, सर का मतलब हर एक चीज़ जैसे सर बताते हैं, सर की टीचिंग का तरीका बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ मुझे। मुझे लगा कि नहीं, ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मुझे करना चाहिए। मैंने काफ़ी वीडियोस सर की, जितने भी वीडियोस थी मैंने एक बाई एक सारी की सारी वीडियोस देखा। देन उसके बाद मैंने पता किया कि कहाँ कहाँ पे ब्रांचेस है, मैंने कांटेक्ट किया, तो देन उसके बाद मुझे मिला डोंबिवली एकेडमी का नंबर, जहाँ पर मैं जाके मैंने विजिट किया। एंड बाय लक जिस दिन मैं गया एडमिशन के लिए एकेडमी, उस दिन सर भी वहीं पे थे। यस, उस दिन सर भी वहीं पे ही थे, सर के सामने ही मेरा एडमिशन भी हुआ था। एंड यू नो वहाँ पे सर ने ये भी बोला था, जबकि मुझे पता भी नहीं था कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं, मुझे ये था कि हाँ मुझे अच्छे से सीखना है और आगे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करना है। सर ने वहाँ पे एक बात बोली थी कि ये लड़का आगे कुछ करेगा, सर ने वहाँ पे ये चीज़ें बोला, बट मुझे ऐसा था नहीं कि मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं ऐसा भी कुछ आगे कर सकता हूँ, बट हाँ ये था कि आगे कुछ अच्छा करना है, कुछ अच्छा करना है, बट ये चीज़ें हमेशा थी। देन उसके बाद मेरा कोर्स स्टार्ट हुआ, एंड कोर्स जब स्टार्ट हुआ फर्स्ट डे से एक अच्छी वहाँ पे पॉजिटिविटी मिली, बच्चे इतने थे, मज़ा आता था, टीचर्स भी बहुत अच्छे थे, हर एक चीज़ में सपोर्ट करते थे, और सर एंड मैम की तो बात ही अलग है, अगर सर एंड मैम की जितनी भी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है। देन उसके बाद मैंने अपना कोर्स स्टार्ट किया, सीजर्स होल्डिंग वेस, हेयर साइंस मैंने पढ़ा, हेयर कट्स के बारे में जाना, डमी पे प्रैक्टिस की, मॉडल्स तो बहुत किए, मज़ा आ गया। जितना भी अभी एक था कि हाँ 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद एक मैं बोल सकता था कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, कैसे भी कर सकते हैं, हेयर कट हो केमिकल हो कोई भी दिक्कत नहीं। सर आते रहते थे और हमेशा बीच में कभी भी कोई भी दिक्कत होती तो सर हमेशा गाइड करते एंड चीज़ें बताते कि ये ऐसे होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, हमेशा बोलते थे कि आपको एक जगह नहीं रहना है, हमेशा आपको ऊपर जाना है और यही सोच के आपको आगे करना है। देन उसके बाद मेरा जब डिप्लोमा कंप्लीट हो गया, सर ने एक मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी, दैट्स वाई मैं अभी यहाँ पर हूँ। उन्होंने देखा मेरे अंदर कुछ या पैशन था क्या था आई डोंट नो, बट ये था कि मैं हमेशा कॉन्सेंट्रेट होता था क्योंकि सर की हमेशा वीडियोस देखता था, सर कुछ भी नया हेयर कट कर रहे हैं कुछ भी, अगर सडनली अगर आज वीडियो आया तो मैं दूसरे दिन वो कर देता था मॉडल पे एंड बहुत मज़ा आता था। देन उसके बाद सर ने उन्होंने कुछ चीज़ें देखी मेरे अंदर या क्या भी था, मुझे तो नहीं पता कि मैं बेस्ट था या नहीं था,
बट सर को कुछ ना कुछ तो लगा होगा, इसीलिए सर ने मुझे एज अ फैकल्टी सेम एंड जेस में लिया और उन्होंने बोला कि रेहान तुम्हें आगे ऐसा ऐसा करना है, मुझे अच्छे से गाइड किया एंड देन उसके बाद मुझे टीचर्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की गई जो कि बहुत अमेजिंग थी। जब मेरी टीचर्स ट्रेनिंग पूरी हो गई देन उसके बाद मैंने मुंबई में टीचिंग किया और अमेजिंग एक्सपीरियंस था सर के साथ, मैम के साथ एंड जितने भी हमारी सेम एंड जेस की टीम थी, बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। देन उसके बाद मुझे काफ़ी जगह ट्रांसफ़र भी हुए, लखनऊ में भी मैंने टीचिंग की, देन उसके बाद दिल्ली में भी किया, इलाहाबाद एकेडमी में भी मैंने टीचिंग की, काफ़ी जगह टीचिंग किया, देन उसके बाद अभी दिल्ली में हूँ। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि हमारी जो एकेडमी है, यस एग्जैक्टली, अभी बहुत सारे लोग हैं जो कि जो आगे बढ़ते हैं तो उनके पीछे भी बहुत लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं, तो अभी मैं बात करने वाला हूँ अपने पर्सनल जो कि मैंने देखा कि एकेडमी कैसी है। सबसे पहला तो अगर किसी को भी ज्वाइन करो तो अगर आप देखोगे कि जो टाइमिंग है एकेडमी का, सबसे पहला सेम एंड जेस में मेरा वहाँ पे जुड़ने का सबसे मेन पॉइंट क्या था कि सबसे पहले तो टाइमिंग मॉर्निंग 10 से शाम के 7 बजे तक की होती है, ओके। देन उसके बाद आपको वहाँ पे फ्री मॉडल भी प्रोवाइड किए जाते हैं, यस आपको मॉडल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको कहीं पे जाना नहीं है, आपके पास मॉडल्स आएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें थी, हम जब भी सर से मिलते हैं हमें एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जैसे लगता है कि हाँ अभी जोश आ गया है कि और कुछ करना है। सर हमेशा मोटिवेट करते हैं कि आपको लाइफ में और कैसे ग्रोथ करना है, कभी भी पीछे नहीं रुकना है, हमेशा आपको लर्न करना है कुछ चीज़ें। सर जब बोलते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो वैसे ही कि हम भी कभी भी परफेक्ट नहीं है, हमें चीज़ों को सीखना होता है, जैसे ऐसे चीज़ें आती है या कुछ भी होता है हमें आगे से एफर्ट डालना होता है। सर और मैम का हमेशा सपोर्ट रहता है, कोई भी चीज़ें अगर फंसते हैं या कहीं पे डाउट्स होते हैं तो सर हमेशा वहाँ पे होते हैं हमें गाइड करने के लिए, हमें अगर कोई सिचुएशन कैसी भी है उसको कैसे आपको टैकल करना है, कैसे आपको वहाँ से बच्चों को लेके चलना है, हर एक चीज़ का हमें वे दिखाते हैं, एक प्रॉपर वे, जैसे गाइडेंस हमें गाइड करते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता है कि सैम मैम जय सर के जैसा कोई मेरे लिए इतना किया होगा। सो अभी सर मैम की बातें बहुत बहुत बातें हैं जो बोलने के लिए वर्ड्स नहीं है, बट मैं बोल रहा हूँ जितनी भी चीज़ें बहुत कम चीज़ें, लाइक अगर मुझे बोलना है 100 का निकालना है उसका भी मतलब जितनी चीज़ें हैं ना दिल में उसका खाली 1% मैं जो बोल पा रहा हूँ, क्योंकि आई कैन नॉट एक्सप्लेन इन द वर्ड, कोई मतलब कि वर्ड्स ही नहीं है सर एंड मैम के लिए कि मैं उनको डिफाइन कर पाऊँ किसी चीज़ से कि नहीं ये सर इस पर बैठते, क्योंकि सर एंड मैम अमेजिंग 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 है। एंड जैसे कि सेम एंड जेस की अगर बात करें, जो हमारा ब्रांड है वो आने वाले टाइम में अमेजिंग करने वाला है, अभी भी अमेजिंग कर रहा है और पहले भी कर रहा था, बट आने वाले टाइम में और भी खतरनाक करने वाला, और जो कि हमारा एक मिशन है जैसे कि बोल सकते हैं सेम एंड जेस सर का कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, उन चीज़ों के लिए सेम एंड जेस आने वाले टाइम में बहुत सारी अकेडमीज प्लान कर रहा है। ऑलरेडी आप देखोगे तो हर एक जगह, हर एक शहर में, हर एक सिटी में, स्टेट में हमारी अकेडमीज आ चुकी है, आप कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हो, वो आप देख सकते हो। एंड आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा अकेडमी आने वाली है हर एक जगह, क्योंकि जो बच्चे हैं ना कि वो उनको कहीं परेशान नहीं होना पड़े, इतना दूर नहीं जाना पड़े, उनके शहर में ही लेकर आ रहे हैं सेम एंड जेस, जैसे कि अभी पीछे ही बहुत सारी अकेडमीज हमारी आ रही है। और अगर मैं सेम एंड जेस डेली अकेडमी के बारे में बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट अकेडमी है हमारी सेम एंड जेस की, जो कि बहुत अच्छा कर रही है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर की अकेडमी तो अच्छा ही करना है, सारी अकेडमी अच्छा कर रही है, बट डेली भी बहुत अमेजिंग काम कर रही है डेली सेम एंड जेस अकेडमी, एंड आने वाले टाइम में और भी हम लोग अच्छा कर रहे हैं। एंड लास्ट में बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच जय सर एंड सैम मैम, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना गाइडेंस देने के लिए, हमेशा चीज़ों को देखने के लिए, एंड बहुत बड़ा बिग थैंक्स जो कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी एज अ फैकल्टी सेम एंड जेस में वर्क करने के लिए, जो कि मैं
अराउंड मुझे 4 ईयर्स हो गया है एज अ टीचर एज अ फैकल्टी सैमेंजेस में। अगर हम बात करें हमारे सैमेंजेस ब्रांड की कि हमारा सैमेंजेस ब्रांड अभी कहाँ से कहाँ पे जा रहा है और आने वाले टाइम में आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ करने वाले हैं हम लोग और सबको ग्रोथ करेंगे, क्योंकि सर का भी कहना है और मैम का भी कि बढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ऐसे ही हमें भी ग्रो करना है और सबको साथ में लेके ग्रो करना है। यही हमेशा सर का मेन मोटिव रहता है कि खुद भी पढ़ना है और दूसरों को भी साथ लेकर चलना है। एक्चुअली मेरे साथ कुछ टाइम पहले कुछ चीज़ें कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस समय मैंने सर को बोला तो सर ने बोला कि कभी भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम हो हमें बताना है। और सर को मैंने वो प्रॉब्लम भी बताई और सर ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की, बहुत सारी चीज़ें हुई बट हमेशा सर ने सपोर्ट किया हर एक चीज़ों को देखे, कभी गुस्सा भी करते कभी नाराज़ भी होते और हमेशा प्यार भी करते, तो सारी चीज़ें चलती रहती है। जैसे होता है ना कि घर में गार्जियन होते हैं माँ पेरेंट्स होते हैं तो वो अपने बच्चों का देखते हैं, डांटते भी है गलती होती है तो डांटते भी हैं समझाते भी हैं और बहुत सारी चीज़ें प्यार भी करते हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ और बहुत ही अच्छा लगा। अभी जहाँ पे भी हूँ मैं जस्ट बिकॉज ऑफ सैम मैम एंड जय सर, उन्होंने इस लायक समझा कि आज मैं टीचिंग कर रहा हूँ, आज मैं बहुत सारे बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ जो कि आगे जाकर और भी चीज़ें करने वाले हैं, बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच जय सर एंड सैम मैम, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बताने के लिए जो मैं मेरे पास वर्ड्स नहीं है सैम मैम एंड जय सर के लिए कि मैं इतनी चीज़ें मैं वर्ड्स में बोल पाऊँ, बट बोलते ना कि दिल से होना चाहिए वो है यहाँ से। आप हमेशा सर साथ रहेगा आपका और हमेशा हम भी आपके साथ रहेंगे, कभी भी कोई भी दिक्कत हुई तो ज़रूर सर आपको ही बताएंगे क्योंकि आप ही हो देखने वाले और किसको बोलेंगे, सो हमेशा यही रहेगा। लास्ट में मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच सैम मैम एंड जय सर मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, एक पेरेंट्स के जैसे गाइड करने के लिए और मुझे इस काबिल समझने के लिए कि एज अ फैकल्टी मैं सैमेंजेस में हूँ, जो कि मुझे 4 ईयर्स हो गया है सैमेंजेस ब्रांड के साथ काम करते हुए एंड मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो तो अमेजिंग रहा है, वो तो आप देख भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय ऑल ऑफ यू।